महोबा जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। टीएम ने महिला चिकित्सालय का बारीकी से निरीक्षण करके वहां पर ओपीडी लेबर रूम सहित एसएनसीयू की सफाई को परखा, जिसमें डीएम अस्पताल की साफ सफाई से असंतुष्ट दिखे और जिला अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देशन दिए। यही नहीं, बाहर से दवाई लिखने और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। महोबा जिला अस्पताल में फैली अनियमितता को लेकर आज डीएम महोबा सहदेव ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। डीएम सहदेव ने अचानक अस्पताल पहुंचकर वहां की हकीकत को बारीकी से जानने का प्रयास किया, साथ ही अस्पताल में साफ सफाई और रजिस्टर की भी जांच की और मरीजों व तीमारदारों से अस्पताल में होने वाली असुविधा को जाना। साथ ही उन्होंने गरीबों को सस्ते और बेहतर इलाज के सीएमओ और सीएमएस को जन औषधि केंद्र से दवा खरीदकर देने के निर्देश दिए हैं। महिला अस्पताल में पहुंचकर गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले भोजन में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म नहीं पहनने वाले डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगा एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए, तो वहीं उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पाने को लेकर जांच कर शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई की बात कही है। डीएम ने जिला अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मरीजों को बाहर की दवा लिखे जाने की भी शिकायत मिली है, इसको लेकर सीएमएस को औषधि केंद्र से दवा लेकर मरीजों को दिए जाने के निर्देश दिए, साथ ही डॉक्टर द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर कार्रवाई की बात भी कही। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ शिकायतें मिले तो उन्होंने आज औचक निरीक्षण किया। इसमें मेन तो है कि हमारे जो पेशेंट आ रहे हैं, जो गरीब गांव के हमारे पेशेंट आ रहे हैं, उनको दवाएं देखा कि मिल रही कि नहीं, निःशुल्क में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, और साथ में हमारे जो जाँच हैं उसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेबर रूम में जो हमारे गर्भवती महिलाएँ हैं उनकी जब डिलीवरी है तो उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, और यहाँ क्या सुविधाएँ हैं, हैं वो सुविधाएँ, पानी पीने की व्यवस्थाएँ, लाइट की व्यवस्था, हमारा जो है लॉगबुक मैंने देखा है कि जो जनरेटर चलाया जा रहा है बीच में, तो सारे हमने देखा है। न्यूज़ बीके के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।